बाद हुआ, कंप्यूटर जब बना, मैं अभी पुणे में था कुछ दिन पहले, तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के टाइम में अमेरिका ने मना कर दिया था सुपर कंप्यूटर देने से, तो विजय रहटकर थे, डॉक्टर विजय रहटकर, जिन्होंने परम कंप्यूटर का निर्माण किया था। हमारा उनका कार्यक्रम एक साथ था, बहुत प्यार करते मुझे, मैं भी उनको बहुत प्रेम करता हूं। तो 10 मिनट तक एशिया का सबसे बड़ा एक धर्म का एक ग्लोब बनाया वहां पर डॉक्टर कराड़ ने, उसके उद्घाटन में हम थे, वृंदावन से हम गए थे, बुलाया था हमको। 10 मिनट जब हमारा बच्चों के साथ इंटरेक्शन हुआ, हमने बोला, तो परम कंप्यूटर का जिन्होंने निर्माण किया था वो माइक पर आए और उन्होंने कहा, मुझे परम कंप्यूटर बनाकर जितना आनंद नहीं हुआ था, आज भारत के एक युवा ऋषि को सुन करके मुझे लग रहा है कि मैं भारतवासी हूं और असली भारतीय। ये उनके वर्ड्स, विज्ञान का इतना खूबसूरती के साथ 10 मिनट में कोई विवेचना कर दे, विज्ञान को 10 मिनट के भीतर कोई इतने श्रेष्ठ तरीके से रख दे, ये संभव नहीं। तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, ये झूठ है, सम्मान करो, उन्होंने उसको एक्सटेंड किया, उसको बढ़ाया होगा, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के नियम को पहली बार बताने वाले हनुमान जी महाराज हैं। लूम लपेटी, जब अमर सेना आ गई तो राम जी ने कहा, करोगे क्या इनका, और मैंने एक प्रतिज्ञा ली है, निश्चर हीन करूं मही, ये भगवान राम की प्रतिज्ञा है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, ए हनुमान मैंने ये प्रतिज्ञा किया है कि इस पृथ्वी को निश्चरों से हीन कर दूंगा, तुम्हारे होते अगर ये अमर सेना मेरे पास आ रही है, इनको मारोगे कैसे, बोला मेरे ऊपर छोड़ दो, बोला तुम्हारे ऊपर मतलब करोगे तुम ही, मैं तो तुम्हारा बाण हूं, जिमी अमोघ रघुपति करवाना, हे ठाकुर जी मेरे में मेरा कुछ नहीं है, मैं आपका बाण हूं, लेकिन आप चिंता छोड़ो मैं कर लेता हूं, और अपने पूंछ से लपेट कर, पूंछ से ऊपर उठाकर जब फेंका, जब पूंछ में लपेटा ना अमर सेना को, तो अमर सेना घबरा गए, बोला ये कहां ले जा रहा, अच्छा हनुमान जी की पूंछ ऐसी है, मैं पहले ही बता चुका हूं, आपकी पूंछ यहां से दिल्ली तक होगी, उनकी पूंछ तो कहां तक है कुछ पता ही नहीं, पूंछ ही की तो बात है ना, इनका पूंछ यहां से वहां तक है, ये बड़े भाई इनका पूंछ बहुत वहां से वहां तक, हनुमान जी का पूंछ। एक बार रावण ने पूछा कि तुम लोग आगे से तो हार जाते हो, पीछे से आक्रमण क्यों नहीं करते, बोला पीछे और खतरनाक, बोला क्यों, बोला कोई रेडियस नहीं है, अरे भाई एक भूगोल बनाया जाने कि इतने दूर में इसका चलता है, मिसाइल है, अग्नि मिसाइल है, ये मिसाइल है, इतने हजार किलोमीटर तक जाता है, बोला ये इसका बोला कुछ पता नहीं, ये कहां तक जाएगा, कितना बढ़ेगा, अरे यार रावण की नगरी के सारे कपड़े घी और तेल समाप्त हो गए, पर पूंछ का एक छोर बंधा सिर, तो उसकी कोई भौगोलिक सीमा है हनुमान जी की पूंछ की, तो हनुमान जी ने पूंछ में लपेटा, गीतावली लिखती है इतना ऊपर, और जितने अमर थे थर थर कांपने लगे, एक ने पूछा डर क्यों रहे हो, मरना थोड़ी है, बोला यही तो डर है, मरना भी नहीं, मर जाते तो कोई डर नहीं था कि मर ही जाएंगे ना, अब क्या करेंगे जी के ये नहीं सोच रहे हैं, कहां ले जा रहा है ये। और कहते हैं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से ऊपर ले जाकर के हनुमान जी ने छोड़ दिया, और रावण के पास जब संवाददाता आया, रावण पूछा कहां है बंदर, बोला बंदर वहीं है, बोला सेना तो जो लेके आया था, बोला वो कैसे बोले, अब तक बोलता था मर गई, वो तो अमर थे, बोला गई, बोला गई, बोला गई तो आई नहीं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से ऊपर छोड़ दिया उनको, आकर राम जी को प्रणाम किया, हे प्रभु आपने कहा था कि निश्चर हीन करूं मैं मही, तो जो अमर थे उनको गुरुत्वाकर्षण के ऊपर छोड़ दिया, अब आने वाले नहीं है, अब आप करो जो करना, और हनुमान जी ने प्रभु राम को ऐसे जीता, हृदय से जीता। अब बताओ गुरुत्वाकर्षण के नियम का सिद्धांत को पहली बार प्रतिपादित करने वाले श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है या न्यूटन है,